अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सिविल लाइन थाना के पीछे जहां विगत दिनों आईजी कार्यालय संचालित हो रहा था, अब वहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया है। आईजी कार्यालय सिरमौर चौकी स्थित अपने पुराने स्थान पर भवन के बनने के बाद शिफ्ट हो चुका है। बताया जाता है कि जहां पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय था, वहां अब नवीन भवन का निर्माण होगा। जब तक भवन तैयार नहीं हो जाता, तब तक सिविल लाइन थाना के पीछे पुलिस अधीक्षक कार्यालय संचालित रहेगा। दशहरा के पावन अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीजी केपी वेंकटेश्वर रॉय, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने पूजा अर्चना कर नवीन भवन में प्रवेश किया। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां, सुनाते हैं वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या जानकारी दी। रीवा शहर के, रीवा जिले के, हमारे जोन के सभी हमारे भाई बंधुओं को, सबको दशहरे की शुभकामनाएं हैं। नवरात्रि जो है पूरा जोन में और पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से भक्तिभाव से सभी लोगों ने किया है। भी आज हम दशहरे के दिन, पता है हम लोग पुलिस लाइन में जो है आयुध पूजा करते, शक्ति पूजा करते हैं, तो पुलिस लाइन में भी आयुध करके हम लोग आए हैं। अभी एसपी साहब भी अपना जो नया भवन, नया कार्यालय जो है, तो फिलहाल तो उनका नहीं बना है, मगर ये टेम्प्ररी यहाँ शिफ्ट किया है। ये पहला डीएसपी कार्यालय था, उसे शिफ्ट किया है, वो तो आज इनका भी आज पूजा हवन हुआ है, तो उनको शुभकामनाएं देने आया हूँ। आपकी भी शुभकामनाएं मिले, हमारी आशीर्वाद मिले आपको, धन्यवाद।